Hi everyone, welcome at Achievers Academy, and this is a video of human excretory system from chapter life process. Life process से जो दूसरे system है उनके बारे में पहले video देख चुके हैं आप, जो कि आपका digestive system, then respiratory system and then circulatory system, and this is the fourth system which you will study in this video. Now let's see what is excretion. Students, when we talk about excretion, it is totally different than that of the ejection. होता क्या है, कई बार बच्चे confuse करते हैं और वो कहते हैं ejection means removal of undigested food is excretion. So remove this confusion, clear your concept. Excretion is totally different than that of the ejection. वो अलग process है, excretion अलग process है. Excretion में हमारी body से जो रिमूवल होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल होता है. अब द क्वेश्चन इज कि व्हाट आर दीज नाइट्रोजनस वेस्ट एंड फ्रॉम वेयर इट कम्स इन अ बॉडी, हमारी बॉडी में आते कहाँ से है नाइट्रोजनस वेस्ट. तो स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी प्रोसेस होती है और जो चीज़ें हैं लाइक जो भी प्रोडक्शन होना है किसी भी चीज़ का, तो कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है. उसी तरह से इन अ बॉडी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं. तो जब भी केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उसी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी, और यू कैन से सम वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड, कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है. उन्हीं में से एक वेस्ट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि बहुत टॉक्सिक होता है. अब यदि इस नाइट्रोजनस वेस्ट को हम बॉडी में रहन देंगे, इसको बाहर नहीं निकालेंगे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, इसके बीमार हो जाएंगे. तो होता क्या है कि ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, अब वो सिस्टम इन नाइट्रोजनस वेस्ट को टाइम टू टाइम रिमूव करता है. राइट, जैसे हमारी बॉडी में दूसरे सिस्टम है, उसी तरह से इसके लिए भी सिस्टम है, और इसी सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. वन मोर थिंग, हमारे बॉडी के अंदर कुछ और भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं स्वेट, वो स्किन के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा वाटर या एक्स्ट्रा सॉल्ट बाहर आ जाता है. राइट, इन द सेम वे जो लिवर है वो प्रोड्यूस करता है यूरिया को, और यूरिया किसके थ्रू बाहर निकलता है, दैट इज फ्रॉम किडनी. तो लंग्स क्या रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे बॉडी से वेस्ट है वो डिफरेंटली आउट होता है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हमने रेस्पिरेशन में पढ़ रखा है, उसके अलावा जो सेकंड हार्मफुल है दैट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड इट रिमूव फ्रॉम द थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम. राइट, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं वहीं पर लाइक किडनीज हैं, किडनीज आर द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट्स कई बार कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज किडनी. किडनी के अंदर ही हमारे जो यूरिया और यूरिक एसिड है उसका प्रोडक्शन होता है इनसाइड द यूरिन, और वो यूरिन के थ्रू पास हो जाता है. नाउ लेट्स व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब हम यदि बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स की, तो वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनीज होती हैं, एंड किडनीज कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं हमारी बॉडी में, इनसाइड द एब्डोमेन एंड टूवर्ड्स द बैक साइड, आगे नहीं होती हैं, टूवर्ड्स द बैक साइड होती हैं, पीछे की तरफ. और दोनों किडनीज कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं, बैकबोन के दोनों तरफ, ऑन ईदर साइड ऑफ बैकबोन, वन ऑन लेफ्ट साइड वन ऑन राइट साइड. यूरेटर्स, यूरेटर्स किडनीज से निकलती हुई दो ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब्स दोनों किडनी में यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो दोनों किडनीज से यूरिन है वो कहाँ जाएगा, वो यूरेटर के थ्रू जाता है यूरिनरी ब्लैडर में. अब यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड ये एक मस्कुलर पार्ट होता है, ये मस्कुलर ऑर्गेन होता है, और इसमें यूरिन स्टोर होता है. कहाँ से, जो यूरेटर ने किडनी से यूरिन लिया है वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है. राइट, और फिर जब दिस बैग इज फुल ऑफ यूरिन, तब क्या होता है, वी गो फॉर रिलीजिंग इट, तब यूरिन हम रिलीज करते हैं थ्रू द यूरेथ्रा. ठीक है, तो जब अर्ज होता है देन वी गो फॉर रिलीजिंग टू पास द यूरिन,
एंड यूरिन पास थ्रू, किसके थ्रू पास होता है? एक ओपनिंग के थ्रू। इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा। नाउ लेट्स सी हाउ दीज पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम अरेंज्ड इन आवर बॉडी, किस तरह से अरेंज होते हैं। सबसे पहले तो रिमेंबर दिस दैट किडनी कहाँ पर अरेंज है? बैक साइड में ऑफ आवर एब्डोमन, एब्डोमन में टुवर्ड्स बैक सिचुएटेड होती हैं एंड ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के दोनों तरफ एक एक किडनी होती है। ये हमारी राइट किडनी है एंड दिस साइड दिस वन इज द लेफ्ट किडनी, राइट। जो हमारी राइट किडनी है, बिकॉज ये आपका किस तरह से फेसिंग इन फ्रंट, तो दिस इज द लेफ्ट वन एंड दिस इज द राइट वन। क्यों मैं इस चीज पर आपको जोर दे रही हूँ? क्योंकि समटाइम्स यू विल गेट द क्वेश्चन कि लेवल लेफ्ट किडनी, आपको पता होना चाहिए विच वन इज द लेफ्ट किडनी। सो दिस इज द लेफ्ट किडनी, रिमेंबर इट। अब ये रीनल, जो आपकी लेफ्ट किडनी और राइट किडनी है, ये दोनों के थ्रू यू कैन सी दैट ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक आ रहा है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है? यही आपका यूरेटर है। तो एक लेफ्ट यूरेटर हो जाता है आपका और दूसरा क्या है आपका? राइट यूरेटर। दिस वन इज द लेफ्ट यूरेटर एंड दिस वन इज द राइट यूरेटर, राइट। आफ्टर दिस यूरेटर कहाँ पर ओपन हो रहा है? एंड यू कैन सी दैट यूरेटर कहाँ से आ रहा है? यूरेटर किडनी के अंदर से आ रहा है, ये किडनी से अटैच्ड है, पेल्विस कहलाता है ये पॉइंट, यहाँ से ये बाहर आता है। एंड दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर जो है यहाँ पर ओपन होते हैं यूरेटर और यूरिन को पास करते हैं। यू कैन सी दीज ड्रॉप्स आर शोन हियर, मीन्स यूरिन इज पास फ्रॉम द यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरिनरी ब्लैडर स्फिंक्टर मसल के थ्रू यूरेथ्रा में ओपन होता है एंड यूरेथ्रा एक ओपनिंग है जिससे यूरिन पास करते हैं, राइट। और यूरिन कहाँ स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। कब तक स्टोर रहता है? Unless and until it is not released out, right? When there is a urge, we go for releasing urine. Oh, now, how the urine is produced? For this, you can see here that some arteries and veins also are visible here. This is the aorta. Aorta kya karti hai? Blood ko lati hai. Jo blood hamare andar aa raha hai urine mein, ye hota hai unfiltered blood. It is not filtered. दोनों किडनी में देख सकते हो ये कि दोनों में ब्लड आ रहा है एओर्टा के थ्रू, और जब ये ब्लड एओर्टा के थ्रू आ रहा है इट इज़ अनफिल्टर्ड ब्लड, फिल्टर्ड नहीं है। अब किडनी का काम है इसको फिल्टर करना, किडनी फिल्टर करता है ब्लड को, उसके बाद फिर ये ब्लड पास आउट हो जाता है, अगेन बैक हो जाता है थ्रू द इन्फीरियर वेना कैवा टू द बॉडी। सो रिमेंबर इट, एओर्टा के थ्रू आता है और इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू वापस चला जाता है। और जब हम किडनी के संदर्भ में आर्टरीज और वेन्स को बोल रहे हैं, एट दैट टाइम वील स्पीक लाइक दिस इज द लेफ्ट रीनल आर्टरी, बिकॉज इट इज कमिंग इन द लेफ्ट किडनी, सो इट विल बी लेफ्ट रीनल आर्टरी एंड लेफ्ट रीनल वेन विल टेक आउट द ब्लड फ्रॉम द किडनी। इन द सेम वे ये रीनल राइट रीनल आर्टरी हो गया और ये आपका राइट रीनल वेन हो गया, राइट। ये आपका ग्लैंड्स हैं, ये लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड एंड दिस वन इज द राइट एड्रीनल ग्लैंड। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा लेफ्ट और राइट का, बिकॉज लेवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार केवल लेवलिंग आ जाती है आपको करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या लेवल करना है। नाउ अब किडनी के अंदर होता क्या है? किडनी में ही ब्लड फिल्टर होता है। तो किडनी में ब्लड कैसे फिल्टर होता है स्टूडेंट्स? किडनी में हमारे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, ये जो किडनी है दोनों, इनमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स ही हमारे जो फंक्शनल यूनिट है किडनी की, दैट इज नेफ्रॉन। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज किडनी, एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। सो नाउ सी नेफ्रॉन में किस तरह से जो है ब्लड फिल्टर होता है और किस तरह से यूरिन प्रोड्यूस होता है। नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स किस तरह का स्ट्रक्चर होता है एक नेफ्रॉन का। जो नेफ्रॉन बहुत सारे होते हैं, देर आर लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन द किडनी। सो किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं ये वोमेंस कैप्सूल। ये वोमेंस कैप्सूल जो होता है ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये कप शेप, दिस इज कॉल्ड वोमेंस कैप्सूल।
अब इस वॉमेंस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस होता है, ये ग्लोमेरुलस जो होता है ये ब्लड कैपिलरीज हैं, उसका एक गुच्छा जैसा होता है। तो ये जो ब्लड है, जब एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है नेफ्रॉन के अंदर, तो ये ग्लोमेरुलस में ही फिल्टर होता है। कहाँ पर फिल्टर होता है? ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस से जब ये फिल्टर होकर के ब्लड इसके अंदर आ रहा है, आप देख सकते हैं ये जो ट्यूब है ये PCT कहलाती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पर इनिशियल फिल्ट्रेट जो होता है उसके अंदर जो वाटर है, ग्लूकोज है, सॉल्ट है, ये सारा जो होता है, एंड उसके साथ ही यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह भी होता है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो वेस्ट तो फिल्टर हो जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट, इन सब की, तो एज पर द बॉडी रिक्वायरमेंट, बॉडी में यदि उसकी रिक्वायरमेंट है तो उतना वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। यानी हमारी बॉडी किडनी से ही, यदि हमारे शरीर में वाटर की कमी है तो वो किडनी से ही पानी फिर से ले लेती है, राइट। उसी तरह से यदि सॉल्ट, ग्लूकोज, जो भी चीज़ के हमारी बॉडी में यदि कमी आ रही है उस समय, तो यहाँ पर जो इनिशियल फिल्ट्रेट है, इनिशियल फिल्ट्रेट मीन्स जो अभी तुरंत फिल्टर होकर आया है, वहीं से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और उसके अलावा क्या होता है, अब ये जो फिल्टर्ड आ रहा है, ये जो फिल्टर हुआ है ब्लड, उसमें आपका फिल्ट्रेट जो है, फिल्ट्रेट में क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। और ये कहाँ पर आ रहा है, ये हैंडलेस लूप हो गया, ये एक लूप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये लूप है, हैंडलेस लूप है। और ये हैंडलेस लूप फिर ये क्या कहलाता है, DCT कहलाता है। यहाँ से ये DCT में आता है, दैट इज़ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है, और यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। तो यूरिन कहाँ पर आया, कलेक्टिंग डक्ट में। इस कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ पर जाता है यूरिन, यूरेटर्स में। तो इस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन से लेकर के और यूरिन किस तरह से यूरेटर में आ रहा है, यू हैव सीन इन दिस। नाउ व्हाट इज डायलिसिस। जब हम बात करते हैं कि किसी की डायलिसिस हो रही है, कोई पेशेंट डायलिसिस के लिए गया है, तो इसके क्या मायने। फर्स्ट थिंग तो वाई द पर्सन इज गोइंग फॉर डायलिसिस, वॉट इज द नीड ऑफ डायलिसिस, उसकी जरूरत क्या है। सो स्टूडेंट्स, किडनी का रोल क्या है, हमारे ब्लड को फिल्टर करना। अब यदि किसी की किडनी में कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम मे बी ऑफ इन्फेक्शन, दैट प्रॉब्लम मे बी ऑफ पुअर फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, उसकी वजह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गई कि अब किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है ब्लड को। तो जब किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है तो क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में एक्युमुलेट होने लगेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल अराइज सो मैनी प्रॉब्लम्स इन द बॉडी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल किडनी इस्तेमाल की जाती है, और आप कह सकते हो कि डायलिसिस के लिए पेशेंट को जाना होता है। तो ये डायलिसिस क्या है, ये एक तरह से आर्टिफिशियल किडनी की तरह से वर्क करता है। फंक्शनिंग जो हमारी किडनी करती है वही है, इसमें भी ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है और पेशेंट घर वापस आ जाता है। लेकिन किडनी अपने आप से काम कर रही है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। टाइम टू टाइम ब्लड फिल्टर हो रहा है, टाइम टू टाइम यूरिन पास हो रहा है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बॉडी अपने आप से कर रही है, दिस इज द ऑटोमेटिक प्रोसेस। अब ये इमेजिन द पर्सन जिसमें ये प्रोसेस, जो नेचुरल प्रोसेस है, वो नहीं हो पा रही है, किडनी प्रॉब्लम है उसको और किडनी इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से किडनीज वो रोल नहीं कर पा रही है जो उनको करना होता है। अब जब ये प्रॉब्लम है तो हर समय तो आर्टिफिशियल किडनी पे नहीं रह सकता कोई, डायलिसिस हर समय नहीं हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट को क्या करना होता है, एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, या तो वीक में वंस जाना होता है, या 15 डेज में वंस, और कई बार यदि ज़्यादा ट्रबल है किसी को, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इवन वीक में 2 या 3 बार भी जाना होता है। बट आफ्टर दिस द पर्सन फील्स गुड, एंड अगेन इन नेक्स्ट वीक और एज पर द शेड्यूल ही और शी गो फॉर दिस डायलिसिस, उसको फिर से जाना होता है। तो अब ये कैसे है, ये पेशेंट है, हैंड दिखाया केवल पेशेंट का यहाँ पर। तो यहाँ से सपोज पेशेंट का ब्लड लिया गया, और ये ब्लड जो लिया गया है ये इस तरह से ट्यूब से होता हुआ, ये एक ट्यूब आया, यहाँ पर ये पंप है, पंप ब्लड कहाँ पर पंप कर रहा है,
इन द चैम्बर. ये एक चैम्बर है जिसको हम डायलाइजर बोलते हैं. इस चैम्बर में ब्लड पंप हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही ब्लड में एक थिनर भी एडेड हो रहा है. दिस इज द थिनर. ये थिनर ऐड हो रहा है, और ये थिनर जो इसमें ऐड हो रहा है तो ब्लड थिन हो जाएगा थोड़ा सा. अब ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, और डायलाइजर जो इक्विपमेंट है उसमें क्या रहा है, जो डायलिसिस फ्लूड है इसमें मेम्ब्रेन होती हैं. ये बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं, यहाँ पर लेयर्स में मेम्ब्रेन्स हैं सपोज. तो ये मेम्ब्रेन्स क्या हैं, ये वैसे ही काम करती हैं जैसे सेमी परमियेबल मेम्ब्रेन का होता है, कि जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सब्सटेंस मूव करते हैं. तो अब क्या है? जो ब्लड आ रहा है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि डायलिसिस का जो फ्लूड है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, तो क्या होगा, ब्लड से ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ जाएगा, डायलिसिस फ्लूड में, और यहाँ से ये डायलिसिस फ्लूड ड्रेन आउट हो जाएगा. अब हमारा ब्लड जो है पेशेंट का क्लीन हो चुका है, फिल्टर हो गया है, कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं बचा है. अब ये ब्लड जो फिल्टर्ड ब्लड है ये कलेक्ट कर लिया जाता है इस तरह से. ये यहाँ पर यू कैन सी ये कलेक्ट हो रहा है, और ये जो कलेक्टेड ब्लड है ये फिर बॉडी में फिर से बैक कर दिया जाता है थ्रू दिस ट्यूब. तो इस तरह से एक सेटअप होता है, अरेंजमेंट होता है मशीन का, और पेशेंट जाता है अपनी डायलिसिस करा लेता है, एंड देन हैप्पी होकर के घर आ जाता है. उसकी जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो रिमूव हो जाती हैं. अगेन एज द थिंग्स विल अकोमलेट, नाइट्रोजनस वेस्ट विल स्टार्ट एकोमलेटिंग आफ्टर एज पर द शेड्यूल, द पर्सन विल गो अगेन फॉर द डायलिसिस. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.